नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल और इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज, जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान। आम आदमी पार्टी से गठबंधन लगभग तय, केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। नवरात्रों के शुभ अवसर पर होगा गठबंधन का ऐलान। दिल्ली व हरियाणा में दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में जेजेपी दिल्ली से लड़ेगी चुनाव। दिग्विजय सिंह चौटाला बोले, जेजेपी के लिए जनता ही होगी स्टार प्रचारक। पल पल शीर्षक से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। दिग्विजय चौटाला ने अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन लगभग तय है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। उन्होंने कहा कि नवरात्रों के शुभ अवसर पर गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा और दिल्ली व हरियाणा में दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि गठबंधन को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में जेजेपी भी अपना उम्मीदवार दिल्ली में उतारेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जेजेपी के लिए आम आदमी स्टार प्रचारक होगा। वहीं अजय सिंह चौटाला भी स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा के हितों के मुद्दों को चुनाव लेकर के चुनाव लड़ेंगे। 16 अप्रैल को जेजेपी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि उस दिन जेजेपी के सांसद देश की संसद में कदम रखेंगे, उसी दिन से हरियाणा के हकों की लड़ाई का अंतिम चरण होगा। प्रदेश में किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए ठोस बिल लेकर आएंगे। वहीं युवाओं को क्षेत्र के हिसाब से बराबर रोजगार देंगे। किसानों को ट्यूबवेल का कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा। गाय पालने वालों को पेंशन देंगे। गरीबों को पक्के मकान और रजिस्ट्री सहित देंगे। वहीं व्यापार आयोग का गठन व्यापारियों द्वारा किया जाएगा। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं और स्क्रीनिंग कमेटी के जो सारे नाम हैं वो अजय सिंह जी चौटाला तक भिजवा दिए गए हैं। वो उस पर अपना फैसला 15 तारीख को सुनाएंगे और 16 तारीख को पार्टी कैंडिडेट अनाउंस ऑफिशियली करेगी, जहां तक मुझे जानकारी है। पार्टी ने हर वर्ग के और हर तबके के कॉम्बिनेशन ऐसा 10 सीटों पे बनाया है कि जब अनाउंसमेंट होगी तो फिर हरियाणा के लोगों को ये एहसास होगा कि कहीं ना कहीं हर कैंडिडेट में और पार्टी का जो नॉमिनी है उसमें हमारा भी हिस्सा है। हरियाणा प्रदेश की जन भावनाओं के अनुसार ये 10 कैंडिडेट लोगों के बीच में जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेकर के 10 की 10 सीटें जो हैं इस बार जननायक जनता पार्टी, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि साथ में समान विचार के लोग भी इसमें शामिल होकर के जीत करके दिल्ली का जो किला है उस पर चौधरी देवीलाल जी का ध्वज फहराएंगे, दिल्ली की पार्लियामेंट में हरियाणा के लोगों की शान बढ़ाएंगे। तौर पर तो दुष्यंत जी बोल चुके हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता बोल चुके हैं, गठबंधन लगभग तय है, वो सिर्फ अनाउंस होना बाकी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि नवरात्रों में, नवरात्रे शुभ होते हैं तो नवरात्रों में ये शुभ कार्य हो जाए, हमें उम्मीद है। जब गठबंधन होगा तो फिर दोनों ही जगह होगा और दिल्ली के अंदर भी जननायक जनता पार्टी जो है वो कुछ सीटें ऐसी है जिसपे बड़ा अहम किरदार अदा करती है। हम उनकी वहाँ मदद भी करेंगे, जहाँ हमारे लायक हो पाएगा हम दिल्ली में उनकी मदद करेंगे, और आने वाले समय में विधानसभा के अंदर दिल्ली के अंदर मजबूती से जेजेपी चुनाव भी लड़ेगी। हमारी जनता, गरीब, किसान, मजदूर, कमीरा, दलित, पिछड़ा, नौजवान, छोटा दुकानदार, ये हमारे स्टार प्रचारक हैं और हम वर्कर हैं, मिलकर के जो है ना किला फतेह करेंगे। अजय सिंह जी स्टार प्रचारक होंगे। देखिए, हमारी सबसे बड़ी बात पार्लियामेंट तक पहुँचाने की है कि स्वामीनाथन लागू हो। स्वामीनाथन लागू होगी तो आधा या आधे से ज़्यादा हिस्से कि जो पॉपुलेशन है हरियाणा में, तो 70% किसान है, 80% किसान है, उनके हित सुरक्षित होंगे। पंजाब से हरियाणा को हरियाणा का हक मिले, पानी मिले, और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे विषय हैं जो पार्लियामेंट के अधीन हरियाणा के अभी भी हैं, जैसे चंडीगढ़ को लेकर के बहुत से विषय हैं, उसको लेकर के पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे। और फिर किसान और कमेरे की आवाज़ समूचे राष्ट्र की जो है, जैसे दुष्यंत जी बने वैसे हमारे सांसद बनकर के इस बार गूंजेंगे। और विधानसभा का चुनाव जब आएगा तो फिर तो सारे मुद्दे हैं ही, फिर तो हरियाणा के हमने कर्जे माफ़ करने हैं, किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन माफ़ करने हैं, इसी हिसाब से फसल पर बोनस देना है, हमने नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देना है, 1.5 लाख नौकरियां जो रिक्त पड़ी हैं उनको भरना है, इसी हिसाब से हमने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करनी है, इसी हिसाब से हमने व्यापारियों के लिए ईज इन टैक्स करना है, हमने नौजवान पीढ़ी के लिए, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे उनके लिए जो है ना, अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो उन अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता हो, और फिर बुढ़ापा पेंशन हो, गौ सेवा पेंशन योजना हमने चालू करनी है, जो गाय पालेगा उसको हम पेंशन देंगे,
और गरीब आदमी के लिए 100-100 गज के प्लाट, रहने को छत, पहनने को कपड़ा और खाने को अनाज की व्यवस्था हो। बहुत काम दुष्यंत के मन में है और वो दुष्यंत पूरा करेंगे। दावा तो राजनीति में सभी करते हैं, दावा तो कोई भी कर सकता है, दावा तो राजकुमार सैनी भी कर सकते हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी तो आप लोग जानते हैं मीडिया के लोग। और सिरसा से शुरू कर दें, किसके प्रति आज लोगों के मन में भावना, ये सबको पता है।